नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट रीडिंग एक्टिविटी कंटेन एक्टिविटी सीट फॉर क्लास 6 to 8 सीरियल नंबर 51। दिस वर्कशीट इज फॉर 22 मार्च 2022। मोहनलाल डिवाइडेड हिज फील्ड इनटू 9 इक्वल पार्ट। वो अपने खेत को फील्ड को 9 बराबर हिस्सों में बांटा। और ही ग्रोज ऑरेंज एट 1 पार्ट। एक पार्ट पे वो ऑरेंज उगा रहा है। इन एट 1 पार्ट आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट, टोटल उसने 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने फील्ड को और एक भाग में वो ऑरेंज उगा रहा है। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन जो है पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 9 पार्ट किए, उसमें से एक पार्ट हमने लिया। हैंस वी कैन से दैट मोहनलाल ग्रोज ऑरेंज 1/9th एरिया ऑफ फील्ड। नाउ यू कैन राइट एट हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड डज द ग्रो मैंगो। मैंगो कितने में वो ग्रो कर रहा है? तो देखिए, एक हिस्सा यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल कितना है? टोटल तो 9 है, नीचे में 9 होगा और उसमें से 2 पार्ट वो मैंगो उगा रहा है। विच 2 फ्रूट्स कवर 2/9 एरिया ऑफ फील्ड। तो ये ग्रेप्स और मैंगो जो है 2 इक्वल 2/9 में मैंगो और ग्रेप्स ये 2/9 में वो ग्रो कर रहा है। अब कह रहा है देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होता है। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, आप जानते हैं, जो कि फ्रैक्शन जो होता है p/q के रूप में होता है, और जहाँ पे p को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। देखिए यहाँ पे दिया हो डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर, तो कह रहा है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं नीचे ज़्यादा संख्या हो, ज़्यादा बड़ी संख्या हो, ऊपर में स्मॉलर संख्या हो। फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी नीचे ज़्यादा हो ऊपर हल्का हो, तो उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए, नीचे 5 है, यहाँ पे 7 है, ऊपर 5 है, तो नीचे ज़्यादा बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो ये इसको न्यूमरेटर कहेंगे, मतलब इसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक उल्टा, यदि फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, ग्रेटर देन या इक्वल टू डिनोमिनेटर हो, तो उसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे ये हो गया, देखिए यहाँ पे 2 है, नीचे ज़्यादा हल्का है, ऊपर ज़्यादा है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर। नीचे ऊपर एक जैसे है, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ, ये इसमें जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, और यहाँ पे न्यूमरेटर ये है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो दैट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं, जहाँ पे एक होल नंबर होता है और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है, तो उसको कहते हैं दीज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आर कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 2 और 1/3। तो ये 2 होल हो गया और 1/3 प्रॉपर हो गया, तो इस तरह से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। अब लाइक फ्रैक्शन, जिसके 2 फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे यहाँ पे देखिए सब में 2 ही डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर में कुछ भी रहे नीचे एक जैसा है वो, तो उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इन अवर फ्रैक्शन ऑल द डिनोमिनेटर आर सेम, दैट इज 2। और अनलाइक फ्रैक्शन, जिसमें डिफरेंट हो डिनोमिनेटर, जैसे 1/3, 4/5, 1/7, 9/11, नीचे अलग अलग हो, तो उसको कहेंगे हम
अनलाइक फ्रैक्शन। अब लेटेस्ट ट्राई के तहत दिया हुआ लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर एक जैसा हो, यहाँ पे नाइन है, यहाँ भी नाइन है, ये भी नाइन है, ये भी नाइन है, ये भी नाइन है, तो सब में लिखे 4/9 लाइक फ्रैक्शन, 7/9, 1/9, 3/9 एंड 6/9, ये प्रॉपर हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। अनलाइक में इसमें से भी एक लिख सकते हैं, क्योंकि 4/9 भी डाल सकते हैं, 7/16, 5/8, 2/3, इसका यहाँ पे यूज नहीं कर, तो ये सारे इम्प्रॉपर अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, नीचे अलग अलग है। अब कहता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर में छांटने के लिए, तो प्रॉपर जिसमें न्यूमरेटर ऊपर हल्का नीचे भारी हो, तो जैसे ये है, तो यहाँ पे लिखे 4/7, फिर यहाँ पे भी 11/12 और 8/9 और 5/16 इम्प्रॉपर कहेंगे, जिसमें ऊपर ज़्यादा हो और नीचे कम हो, तो 15/9, 23/4, 17/5 एंड 5/16 इसमें आ गया था, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। उम्मीद है समझ में आएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।